नमस्कार भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है मछली शहर की विधायक और ये कहें तो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहने वाली विधायक डॉक्टर रागनी सोनकर जी हमारे साथ हैं विधायक जी स्वागत है हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद विभाष भाई पहले तो बधाई कि आप जो है राज्य की कार्यकारिणी में सदस्य बनाए गए हैं उसके लिए बधाई मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का और मेरी प्यारी जनता का जिनके सहयोग से आशीर्वाद से और उनकी हिम्मत से आगे मुझे इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी विधायक जी 2024 का चुनाव नज़दीक है और आपका विपक्ष भी जो है एकदम तैयारी कर लिया है जो है इंडिया बनाया गया है छब्बीस दलों का और लेकिन एन से मुकाबला कैसे कर पाएंगे आप लोग तो जौनपुर ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ आपके तीन बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए और प्रदेश में भी लगभग एक दर्जन नेता जो है विपक्ष के भाजपा में चले गए कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप लोग देखिए कोई भी नेता जो है वो नेता खुद से नहीं बनता है उसे जनता नेता बनाती है और आप नेता क्यों बनते हैं वो होती है विचारधारा जिससे आप इस पॉलिटिक्स में आते हैं जैसे कि जो मुझे बेसिक ज्ञान है जिसकी वजह से मैं आई हूँ और रही बात छोटे और बड़े नेता की तो वो जनता अब डिसाइड करती है कौन छोटा नेता है कौन बड़ा नेता है और राजनीति में जहाँ तक का अभी मैं जहाँ तक पहुँची हूँ मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जिस तरीके से बाकी सारी जगह पे इंसान काम करता है अपने अलग अलग फील्ड्स में तो वहाँ पे एक बेसिस होता है एक बेसिक होता है जिसपे आप काम करते हैं जी। उसी तरीके से राजनीति भी है एक विचारधारा है एक सोच है जिससे आप जुड़ते हैं और उसके बाद लोग आपसे जुड़ते हैं और आप स्वयं नेता नहीं बनते हैं। वो जनता है वो लोगों का विश्वास है वो प्यार है जो आपको नेता बनाती है जो आपकी विचारधारा में मतलब साथ में जुड़ करके आप में बिलीव करके आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं ये एक पुराना दौर था जब लोग किसी के पीछे चलते थे okay. आज की जो पॉलिटिक्स है वहां पे मैं एज अ पॉलिटिशियन कहती हूं कि आप मेरे साथ चलिए और लोग मेरे साथ चल रहे हैं और जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जनपद से ज़िले से या उत्तर प्रदेश से या इवन देश के कोने कोने से जो लोग भी इधर उधर पटकनी खा रहे हैं और अपने इधर उधर घूम रहे हैं तो देखिए वो विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं वो दरअसल जब जिस समय जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ रहती हैं उस हिसाब से अपने डिसीजंस लेते हैं जो उनके मन मुताबिक हो जो उनको लगता है कि उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सुटेबल है और शायद यही कारण है कि धीरे धीरे राजनीति में जो बदलाव आ रहा है इस तरीके के लोग जो हैं वो अपने आप ही समय आते आते लुप्त भी हो जाएंगे देखिए विचारधारा की आपने बात कहा कि विचारधारा रहती है लोग उसी हिसाब से जुड़ते हैं अभी हम जो है यहाँ के आपके मंत्री थे और जगदीश सोनकर जी चार बार के विधायक भी रहे हैं और

पद से नवाजा गया और उसके बाद अगर वो आज उस विचारधारा को ठुकरा करके कहीं और जा रहे हैं तो ये सवाल मुझे लगता है कि आपको उनसे पूछना चाहिए मैं किसी के भी पे इस पे कमेंट करने के लिए उपयुक्त नहीं हूं लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात ये कह सकती हूं कि आज राजनीति में जो अपनी विचारधाराओं के साथ स्पष्ट रहेगा और ये सोच करके चलेगा कि वो क्यों मतलब इस जीवन को उसने क्यों चुना है और वो आगे अपने आप को क्लियर करके चलेगा कि आगे भी वो क्या सोच रहा है जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स में वही टिक पाएगा अदरवाइज इंसान किसान इधर से उधर उधर से इधर बस पटकनी खाता रहेगा। ठीक है, है। मान लिया जगदीश सोनकर का ये मान के चला जा रहा था कि आपके आने के बाद वो चाहे वहाँ पे पार्टी की मीटिंग हो या जो पार्टी के संगठन में इस तरह देखे नहीं जा रहे थे कार्यक्रमों में देखे नहीं जा रहे थे लोग जो है आशा लगाए थे कि हो सकता है पार्टी छोड़ दें लेकिन अभी सुषमा पटेल जी पिछड़ी जात से संबंध रखती हैं और लोकप्रिय भी नेता हैं वो पार्टी छोड़ के भाजपा में चली जाती है ये कमी कहां है आपके पार्टी के अंदर कमी है कि कैसे ये जो है नेता आते हैं फिर एक साल के अंदर चले जाते हैं जो है क्या कै, कैसे है ये मैं फिर वही बात कहूंगी और बार बार इस बात को स्पष्ट करूंगी कि राजनीति को धीरे धीरे लोगों ने कहने लगे थे लोग कि बड़ी ही गंदी है राजनीति और वो क्यों गंदी है क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार को जब आते हैं पॉलिटिक्स में तो कहते हैं हम जनता के लिए आए हैं अपने आप को हम देश के लिए लोगों के लिए समर्पित करते हैं लेकिन जब आप राजनीति में एक अहदे पे आ जाते हैं उस पद पे पहुंच जाते हैं तो उसकी गरिमा को आप भूलने लगते हैं और आप व्यक्तिगत रूप से फिर अपने लाभ और हानि के बारे में सोचने लगते हैं तो देखिए अगर महत्वाकांक्षाओं से भरे रहेंगे तो ये राजनीतिक जीवन जो है वो बहुत ही कठिन होने वाला है लेकिन जिस चीज को जिस चीज़ से आप जुड़े थे और जिस चीज़ के लिए आप स्पष्ट रहेंगे कि आप यहाँ आए थे क्यों आए थे और आपको क्यों रहना है और क्या करना है अगर ये स्पष्ट रहेगा तो इस तरीके की सिचुएशंस नहीं आएंगे कहीं कोई पीड़ा उड़ा तो नहीं थी उनकी हमने हमने जब उनसे पत्रकार वार्ता किया तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि समाजवादी पार्टी एक बिरादरी की पार्टी है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी उन्होंने आरोप लगाया यहाँ तक कहा कि जो है महिलाओं का सम्मान नहीं होता है आप एक महिला हैं इसलिए मैं ये इस सवाल कर रहा हूँ क्या आपकी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है समाजवादी पार्टी में देखिए उनके जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं उन आरोपों का मैं खंडन करती हूँ क्योंकि अगर वो किसी जातिवाद के विषय की बात करती हैं तो मैं एक दलित समाज से आती हूँ और पूरी नौ विधानसभाओं में से इकलौती मैं हूँ जिसे नामांकन के आखिरी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ पे भेजा गया और डेफिनेटली कि मैं पॉलिटिकल करियर मेरा था नहीं डॉक्टर थी नहीं। मैं और जब मैं आई हूँ और यहाँ के संगठन ने मुझे जिस तरीके से आश्वासन दिया और नामांकन के दिन जो वो भीड़ थी वो शायद ही कभी ऐसी मछली शहर में किसी ने देखी होगी और वो दस दिन के चुनाव में लोगों के पास मैं तो नहीं पहुंच पाई लेकिन मेरा नाम एक एक गली एक एक कूचे एक एक घर पहुंच गया और उसकी वजह से कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि नब्बे हज़ार प्लस समाजवादी पार्टी को यहाँ से वोट मिला हो इस बार उससे भी बढ़ करके वोट मिला है और बड़े मार्जिन से मैं जीती हूँ तो अगर आप ये कहें कि जातिवाद तो ये बात एकदम खंडन होता है उसका अगर आप इस बात की बात करेंगे कि यहाँ पे संगठन में गड़बड़ी है वो भी इस बात का खंडन करती है लेकिन जो उन्होंने कहा उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कुछ इस तरीके के लोग हैं ज़िले में कुछ इस तरीके के लोग हैं वो किसी पार्टी के नहीं हैं लेकिन वो क्या करते हैं समय जब जो जहाँ पे जिसकी सरकार चलती है जिसका विधायक रहता है वो अपने आप को उस पार्टी का बना करके और उस पार्टी की छवि को बिगाड़ने का काम करते हैं समय समय पर वो ये दिखलाते हैं कि नहीं हम इस पार्टी के हैं हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और गलत तरीके से वो इस तरीके से काम करते हैं या तो वो महिलाओं के विरोध में काम करेंगे किसी जाति विशेष के विरोध में काम करेंगे और पार्टी की छवि खराब करने का काम करेंगे तो मैं ऐसे लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि वो हमारे पार्टी के नहीं है और वो किसी संगठन के लोग नहीं है वो व्यक्तिगत और एक ऐसे महत्वाकांक्षी लोग हैं जो हर समय बस एक फ़ायदा देखते हैं कि किस गल तरीके से हम कैसे लोगों को लूट सकें और किस तरीके से फायदा निकाल सकें और साथ ही साथ किस तरीके से पार्टी की छवि को ख़राब कर सकें नहीं क्या ऐसे ही लोगों पर इशारा था क्या सुषमा पटेल जी का क्योंकि पार्टी में आपके साथ थी कहीं ना कहीं उनका इशारा ऐसे लोगों के साथ था क्या देखिए उनका इशारा अगर ऐसे लोगों पे था भी तो उसका कंक्लूजन पार्टी छोड़ना नहीं होता है और जिनका वो इशारा कर रही है वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं वो मैं स्पष्ट करती हूँ वो किसी पार्टी के लोग नहीं हैं वो किसी के प्रति वफादार नहीं है उनका एक सोशल मीडिया का गैंग है जिसपे वो अनाप शनाप किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोगों को लिखते हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है किस तरीके से भेदभाव फैलाया जाए किस तरीके से हॉर्मोनी को नष्ट किया जाए किस तरीके से अशांति फैलाई जाए तो ऐसे सिचुएशंस में आपको लड़ना होता है क्योंकि आप इसी के लिए चुन करके आते हैं इसीलिए जनता ने आप पे विश्वास जताया है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएंगी तो आप आगे बढ़ करके ऐसे लोगों का खात्मा करेंगे ऐसे लोगों की जो भी इस तरीके की चीजें फैला रहे हैं समाज में अजरगता फैला रहे हैं उनको आप हटाएंगे ना कि आप पीछे हट जाएंगे या भाग जाएंगे और रीजन देंगे कि ऐसे लोग थे इसलिए हम चले गए क्या यही लोग थे क्या सोशल मीडिया पे चल रहा था कि मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागनी सोनकर भी जो है भाजपा में जा रही हैं क्या यही लोग तो नहीं थे कि आप सही में आपने भी मन बना लिया था देखिए ऐसा तो मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं है सोशल मीडिया पे अब विभाष जी ये आपको मुझे <laughs> शेयर करना पड़ेगा बिकॉज अभी भी आ, मैं जहाँ भी जाती हूँ तो सब एक बात तो मानते हैं कि भाई मछली शहर से शेरनी गई है सदन में तो शेरनी के सामने बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है कि इस तरीके से कह पाए तो और बाकी मैंने आपसे यही कहा कि मैं विचारधारा से यहाँ पे हूँ मैं जिस समाज से आती हूँ जिस जगह से मैं उठ करके आई हूँ और मैंने अपने जीवन में जितना कष्ट किया मैं एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में पहुंची तो बड़े कष्टों से पहुंची हूं। मैं अपनी फैमिली की पहली डॉक्टर हूं। मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे मेरी माता को भी मेरी जो मदर हैं उन्हें भी इतनी शिक्षा नहीं मिल पाई थी और हम तीन बहनें थे और एक दलित समाज में जब तीन बहनें थीं तो लोग सोचते थे कि भाई कितना दहेज लगेगा कैसे शादी होगी और उस फेस से जब मुझे सहारा मिला तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का सहारा मिला जिसके माध्यम से आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप मुझसे मेरे विचार पूछ रहे हैं और जनता जो मुझे इतना प्यार कर रही है तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि शिक्षा एक सबसे बड़ा माध्यम है जिससे आप किसी भी तबके तब के लोग को उनको आप ऊपर ला सकते हैं और समाज में एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहाँ पे जो ये इस तरीके की राजनीति चल रही है वो जाति के धर्म के भेदभाव पे उसको आप खत्म करके सिर्फ और सिर्फ सुख शांति और प्रॉपर विकास की तरफ बढ़ सकते हैं चलिए जिले से हट के थोड़ा सा बाहर बात करते हैं पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर कि जब फिर आए साथ में आप लोगों के और फिर उसके बाद चले जाते हैं फिर बोल रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइए देखिए विभाष जी पहले भी कई बार डिस्कशन हो चुका है राजभर जी को मैंने पहले भी आपसे बताया था कि अभी वो कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि चल सन्यासी मंदिर में विधानसभा में भी ये चला है अखिलेश जी ने बोला है पहले वो जब उनको लगता है कि इधर ज्यादा है तो सन्यासी को मंदिर भेजने लगते हैं और जब आज वो जा रहे हैं तो वहां से सन्यासी कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है तो उनकी स्थिति तो जनता के सामने स्पष्ट है उनके बारे में मेरे लिए तो टिका टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है कोई आवश्यकता ही नहीं है अच्छा अक्सर देखता हूँ कि वो बड़ा हमलावर रहते हैं अखिलेश के ऊपर वो कहते हैं कि ये लोग जो है आ, लोडर बनाते हैं जबकि बीजेपी लीडर बनाती है अखिलेश को उन्होंने कहा कि ये लोडर बनाते हैं इनके पार्टी में जाइए तो ये लोडर हमको बना के रखते हैं यानी जो साथ जुड़ता है बीजेपी लीडर बना के रखती है तो 2022 के चुनाव में वो अपने बेटे के साथ लोडर बनने क्यों आए थे जरा उनसे भी पूछ लिया जाए कि लोडर बनने क्यों आए थे अगर ये पार्टी लोडर बनाती है तो अपने बेटे को उन्होंने टिकट दिलवाई खुद वो हमारे साथ गठबंधन में लड़े और जीते और वो समाजवादी पार्टी की देन है कि वो जीते तो ये क्यों लोडर बनने आए थे जहाँ उन्हें लीडर बन रहे थे वहाँ उनको जाना चाहिए था वो तो ये कहते हैं उंगली से गिनाते हैं कि इनके पास एक दो जातियां हैं और सब पूरी जातियों का लिस्ट लगा देते हैं कोई पिछड़े जो पीडीए बनाया अखिलेश ने वो कहते हैं ये बिना मतलब हवा हवाई बात करते हैं पीडीए का मतलब है उल्टा बताते हैं पीडीएम कोई साथ उनके नहीं है उन्होंने कुछ विशेष जातियाँ रट ली हैं और उन जातियों को सिर्फ वो एक्सप्लॉइड कर रहे हैं वो नाम उनका ले कर के अपनी जगह जगह पर टिकटें अपनी जगह जगह पे पद जहाँ उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने परिवार के लिए और अपने लिए जहाँ उनको जो मिलता है बस उधर पहुँच जाते हैं 2024 की तैयारी कैसी रहेगी जो है आप लोगों को कैसी है और क्या संभावना है कितनी सीटें आ जाने वाली हैं आपको समाजवादी पार्टी को यूपी में देखिए मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकती हूँ लेकिन एक बात है जो जनता के एक एक व्यक्ति से अगर हम मिल रहे हैं तो उसकी जबान पर है कि इस बार का जो चुनाव है वो इंडिया लड़ रही है इंडिया मतलब पूरा देश लड़ रहा है भारत लड़ रहा है तो जब इंडिया लड़ेगी तो देश का एक एक नागरिक लड़ेगा एक एक व्यक्ति लड़ेगा चाहे वो किसी जाति का हो किसी धर्म का हो किसी भी व्यवसाय का हो किसी भी ऑक्यूपेशन से हो एक एक व्यक्ति लड़ने वाला है तो 24 के जो नतीजे हैं उनसे अभी से मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार जो है वो बहुत ही घबरा गई है बहुत ही डर गई है क्या आप लोग लगता है कि इंडिया नाम रख लिया तो आप लोग मजबूती से लड़ेंगे जबकि प्रधानमंत्री ने उसका व्याख्यान भी किया है इंडिया क्या क्या बताया है विभाष जी ये आज नौ साल की सरकार हो गई आपकी जो देश की केंद्र की सरकार साथ ही साथ सात साल की सरकार हो गई आज अगर आप लखनऊ चले जाइए तो वहाँ जो भी कार्य दिखाई देता है वो समाजवादी पार्टी का कार्य दिखाई देता है चाहे वो इकाना स्टेडियम हो चाहे आपके पुलिस हेडक्वार्टर्स हो चाहे आप वहाँ के पार्क्स की बात कर ले लोहिया पथ की बात कर ले जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक कि मेट्रो भी सिर्फ हमारे समाजवादी पार्टी की देन थी और उससे पहले अगर बसपा की सरकार रही तो उन्होंने कुछ काम किया होगा आज इनकी सात साल की सरकार में एक काम नहीं है जिसे वो गिना सकें और ये क्या बातें करते हैं सिर्फ कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम ये मंदिर ये मस्जिद मंदिर से पहले मस्जिद था कि मस्जिद से पहले मंदिर था और लोगों को इसी में फंसा करके रखते हैं तो एक तरीके का समझ लीजिए कि एक फसाड है जिसमें लोगों को इन्होंने सिर्फ भ्रमित करके रखा है अगर हम केंद्र की सरकार की बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके वहाँ पे प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया मणिपुर में हुए हादसे के लिए कि वो वहाँ पे बात करें बड़ी शर्मिंदगी की बात है आज कहते हैं कि आप विदेशों में दौरा कर रहे हैं और अब विदेशों में हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि देश का एक अंग जल रहा है वहाँ की माताओं और बहनों के साथ इस तरीके के मतलब कुकृत्य हो रहे हैं हम कभी सपने में भी नहीं सोच सोच सकते थे और आज एक एक भारतीय शर्मिंदगी महसूस करता है नज़रें झुक जाती हैं अगर कोई पूछता है कि आपके देश में ऐसा हो रहा है एक महिला को नग्न करके और उसके शरीर को किस तरीके से आदमियों के द्वारा दबोचा जा रहा है सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो है जो सामने आई है और वहां के खुद के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तो इकलौती वारदात थी ऐसी सैकड़ों वारदात है और आप सोचिए कि अगर देश के एक कोने में आग लगी है तो क्या यहां तक आने में समय लगेगा तो ये जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ये सिर्फ इंडिया नाम के लिए इंडिया नहीं है ये पूरा देश एकजुट हुआ है और क्यों एकजुट हुआ है कि वो जो आग लगी है वो आग दहक करके पूरे देश को ना वो उसमें चपेट में ले ले उसको बचाने के लिए इंडिया एक साथ आया अच्छा विधानसभा सत्र में जो चलता है कुछ मांगे आप लोग मनवा लेते हैं कि नहीं जैसे देखिए शिक्षा मित्रों का मामला रहा हो चाहे अभी कुछ अध्यापक थे जो ये शिक्षक है प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग थे आपको भी ज्ञापन सौंपा है हमने देखा है कि पुरानी पेंशन के लोग शायद इनका मांग है तो अभी क्या सरकार को सुनती है कि आप लोग बस ऐसे विधानसभा में हल्ला मचाते हैं लोग मांग करते हैं कहाँ कहाँ नहीं लोगों की समस्या सरकार सुन रही है देखिए संविधान में जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन थे और जिसके वजह से आज मैं विधायक बन करके भी बैठी हूँ उसमें था कि सत्र जो है वो नियमित है कि वो नब्बे दिन का सत्र होना चाहिए और विस्तार में डिस्कशन होना चाहिए जो भी विभाग विभाग होते हैं उनके विस्तार पूर्वक डिस्कशंस होने चाहिए और इस बार जो सेशन में डिस्कशंस हुए हैं और इससे पहले भी जितने भी डिस्कशंस हुए हैं हमारी सरकार जब हम चुनाव लड़ रहे थे 2022 में समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे हम 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त में देंगे साथ ही साथ कहा था कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली जो है वो मुफ्त में देंगे उसके बाद हमने कहा था के से से तक लेकर पी तक की बच्चों की जो शिक्षा है बेटियों की शिक्षा उसको हम मुफ्त करेंगे रोजगार जो है उसको हम बढ़ाएंगे बिजली का उत्पादन जो है बढ़ाएंगे नए प्लांट्स लगाएंगे जितने भी कॉमर्शियल सेटअप्स हैं क्योंकि बहुत सारे मैं ग्रामीण अंचल से हूँ यहाँ से कितने सारे बच्चे हैं जिनको कहीं गुजरात में हैं कहीं दिल्ली में हैं कहीं नासिक में हैं अलग अलग जगह जा के अपने परिवार से दूर रह करके काम करना पड़ता है और कितने सारे लोगों की तो वहाँ मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बॉडी आती है और माँ बाप उनके इतनी बुरी स्थिति में रहते हैं तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट का कार्य है उसके बारे में तो कुछ इन्होंने किया ही नहीं और सदन में तो सिर्फ और सिर्फ ये एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं मेरा कहने का मतलब ये है क्या ये इसको मुद्दा दोनों दल बना रहे हैं सत्ता पक्ष विपक्ष कि चलो चुनाव आएगा तो हम फिर मुद्दा उठाएंगे कि शिक्षा मित्र को रेगुलर करेंगे और जो टीचरों की मांग है इनको जो है हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे ये चलता रहेगा कि सरकार सुनेगी कि आप लोग भी मजबूती से नहीं उठा पा रहे हैं कि उठाना नहीं चाहता विपक्ष भी कि ये मुद्दा चलता रहे देखिए मुद्दा तो बहुत मजबूती से उठ रहा है और रही बात सदन ना चलाने की तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करने की समाप्ति की ओर ले जाने की इनकी जो मंशा है ये दिखाई देती है क्योंकि अगर आप सदन में विपक्ष को बोलने नहीं देंगे मणिपुर के डिस्कशन पे उन्होंने वाद्यता लगा दी और कहा कि नहीं इसमें सिर्फ दो घंटे का डिस्कशन करेंगे दो घंटे के डिस्कशन में आप इतने बड़े हादसे पे क्या विवरण देंगे क्या बातें करेंगे क्या चर्चाएं हो पाएंगी उसी तरीके से विधानसभाओं में भी जिस तरीके से टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को नहीं उठाने देना उन मुद्दों पे बात नहीं करने देना अभी पुरानी पेंशन बहाल की भी बड़ी मजबूती से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात को रखा था लेकिन उसे घुमा फिरा दिया गया क्योंकि देखिए वो सत्ता में है और सत्ता में जो होता है वो वही जो चाहता है वो करता है हम विपक्ष में हैं हम मजबूती से आवाज को उठा रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि ये इंडिया मजबूती से आए <S. 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 और ये देखे कि ये क्या हो रहा है क्योंकि आज ये इंडिया जो है उसको पावर इन्हीं सबसे मिल रही है क्योंकि वो देख रहे हैं कि बार बार हम अपने हक की बात करते चले जा रहे हैं और सामने वाला जो है उसको बार बार रिजेक्ट करता चला जा रहा है और जो आप ये बात कह रहे हैं कि ये मुद्दे चुनाव के दौरान में बार बार आएंगे देखिए चुनाव बार बार होते रहेंगे कोई जीतेगा कोई हारेगा किसी की सरकार बनेगी किसी की जाएगी लेकिन मेन जो ये सब कुछ ये सारा प्रकरण है वो किस लिए कि जनता को किस तरीके से बेहतर इन्वॉवमेंट की तरह ले जाएं किस तरीके से बेरोजगारी को कम करें किस तरीके से चिकित्सा को बेहतर करें किस तरीके से शिक्षा को बेहतर करें किस तरीके से ग्रामीण जो 60 से 70 परसेंट उत्तर प्रदेश और देश की आबादी जो ग्रामीण इलाके में है वहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंट को लेकर के आएँ तो ये मेन मोटो है जिसके लिए चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष दोनों को मिल करके मजबूती से काम करना चाहिए रेदर देन ये देखना कि पांच साल बाद हम क्या मुद्दा फिर से उठाएंगे और किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले और जिसकी वजह से हम बेटर तरीके से चुनाव लड़ सके ये स्ट्रैटेजीज को एनडीए की सरकार को अब बंद कर देना चाहिए हमारे साथ विधायक रागनी जी थी इस वीडियो में बस इतना ही नमस्कार जय हिंद जय जै भारत